तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे क्या पूछा गया है। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स, विच इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन दोनों में जो हमारे यहाँ पे 3p ऑर्बिटल्स है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनमें से किस पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिख लूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे 13 होता है, और इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2p1 होगा, क्योंकि ये हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 to 4, 6 4 10 एंड 12 एंड 1 13। तो जो हमारे यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स है इसपे हमारे यहाँ पे क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सिलिकॉन की। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे 14 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p2 आ जाएगा। इसपे हमारे यहाँ पे क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एंड इसके पास हमारे यहाँ पे क्या, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें यहाँ पे बताना था कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो वो हमारे यहाँ पे सिलिकॉन पे लगेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सिलिकॉन है इसपे हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारे यहाँ पे क्या, +14 है, क्योंकि जो इसका एटोमिक नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या, 14 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलिकॉन हैज greater nuclear charge +14 than aluminium। aluminium का हमारे यहाँ पे कितना है, +13 है। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो therefore the unpaired 3p electrons of silicon will experience more effective nuclear charge। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है और क्यों लिखना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सिलिकॉन है इसपे हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पे क्या, +14 है एंड एल्यूमिनियम का हमारे यहाँ पे क्या, पॉजिटिव का 13 है। तो जो हमारे यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसपे हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।